जय जिनेंद्र, आज हम जानेंगे कि कैसे एक शेर महावीर बन गया। महावीर भगवान अरहंत बनने के 10 भव पहले एक शेर की पर्याय में थे। जंगल का राजा शेर, जिसको देखकर जंगल के अन्य जानवर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागते थे, जिसकी दहाड़ सुनकर दिल दहल जाता था, वह शेर था ही इतना विशाल और खतरनाक। एक दिन की बात है, वह जंगल का राजा शेर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने एक हिरण को वहां से जाते हुए देखा। हिरण को देखकर उसे मारकर खाने की इच्छा हुई। वह सोचने लगा, वाह, आज बहुत दिन बाद मोटा शिकार सामने दिख रहा है, आज इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। और शेर अपने आगे के पैरों पर खड़ा हो गया। बेचारे हिरण को तो पता ही नहीं था कि उसकी मौत उसके पास आ रही है। अचानक हिरण ने आहट पाकर पीछे मुड़कर देखा और घबराकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा। हिरण को भागता देखकर शेर भी उसे मारने के लिए उसकी ओर झपटा। आगे हिरण, पीछे शेर, आगे हिरण, पीछे शेर, भागता रहा, परंतु यह क्या हुआ? शेर ने तेजी से भागकर हिरण पर हमला कर दिया। हिरण की दयनीय मुद्रा देखकर भी शेर को दया नहीं आई। मानो हिरण शेर से कह रहा हो कि मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे जाने दो, मेरे प्राण मत छीनो। मगर शेर ने उसके भयभीत चेहरे पर और आंसुओं पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने बड़े बड़े और नुकीले नाखूनों से हिरण की गर्दन पकड़ ली और उस हिरण की मृत्यु हो गई। शेर ने हिरण का मांस खाना प्रारंभ कर दिया। उसी समय अमित कीर्ति और अमित प्रभ नाम के दो मुनिराज वहां आकाश मार्ग से विहार कर रहे थे। उन्होंने नीचे देखा, अरे यह क्या, वह शेर हिरण को कितनी निर्दयता से मारकर आनंद से उसका मांस खा रहा है। इस संसार का यही स्वरूप है कि बलवान सदैव निर्बल का घात करता है। दोनों मुनिराज नीचे उतरकर शेर के पास आए। अरे, आश्चर्य हो गया। शेर ने दोनों मुनिराजों की परम शांत मुद्रा देखी और उसका मांस खाना बंद हो गया। वह बिना पलक झपकाए मुनिराज को देख रहा था। सोचने लगा, अहो, इतना शांत रूप मैंने आज तक नहीं देखा, और मेरे परिणाम शांत क्यों हो रहे हैं? मुनिराज ने शेर का सुंदर भविष्य जानकर उसे उपदेश दिया। हे मृगराज, तुम ये क्या कर रहे हो? अनंत बार तुमने जन्म मरण की पीड़ा सहन की है, अनेकों बार तुमने अपने से कमजोर प्राणियों का घात किया है, और तुम भी अपने से बलवान प्राणियों का शिकार बने हो। अब बस करो, मोक्ष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जागो मृगराज, जागो, अब तुम्हारे जन्म मरण का अंत निकट आ गया है। तुम्हें ये कार्य शोभा नहीं देता। तुम निकट भव्य जीव हो और 10 भव के बाद इसी भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनने वाले हो। तुम्हारे कारण से अनेक भव्य जीव आत्म कल्याण करेंगे और तुम्हारे निमित्त से ही जिन शासन की अद्भुत प्रभावना होगी। ऐसा लग रहा था मानो उस शेर को मुनिराज की वाणी का भाव समझ में आ रहा हो। शेर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, मानो वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। उसके सारे पाप मानो आंसुओं से बहकर निकल रहे हों। मुनिराज की मधुर वाणी सुनकर शेर ने मन में प्रायश्चित किया, अहो, आज मेरा परम सौभाग्य है जो ऐसे मुनिराजों के दर्शन और वाणी का लाभ मिला। ये ही मेरे सच्चे हितैषी हैं। उसने अपने आत्मस्वरूप का विचार किया, मैं तो देह से भिन्न चैतन्य स्वभावी अमर तत्व हूँ, मैं तो अनंत गुणों का निधान हूँ। ऐसा विचार करते हुए वह शांत होता गया। अहो, आश्चर्य है, उस शेर को सम्यक दर्शन हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उसके जन्म मरण का अंत निकट आ गया। वह शेर सम्यक दृष्टि हो गया, अब उसका मांसाहार बंद हो गया। क्या कोई आत्मज्ञानी जीव अपने भोजन के लिए किसी जीव की हिंसा करेगा? नहीं ना, उसने कई दिन तक भोजन नहीं किया। भोजन ना मिलने से उसका शरीर कमजोर होता गया।
अब वह हिल भी नहीं सकता था। उसे मरा हुआ समझकर कौवे, चील आदि पक्षी उसका मांस खाने लगे। वह इस भाव से भी नहीं हिलता था कि मेरे हिलने से इन्हें भोजन में बाधा होगी। और कुछ समय बाद बहुत शांत भाव से उस आत्मज्ञानी शेर की मृत्यु हो गई। वह शेर मरकर सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु देव हुआ। देव गति की आयु पूरी करने के बाद वह भरक क्षेत्र में राजा हुआ। राजा की आयु पूर्ण करने के बाद वह पुनः देव हुआ। इस तरह नौ भव के बाद उस जीव ने भरक क्षेत्र के कुंडलपुर में जन्म लिया, राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला देवी के राजमहल में। उन्होंने विवाह नहीं किया, वे बचपन से वैरागी प्रवृत्ति के थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा ले ली और घने जंगल में घोर तप करने लगे। 42 वर्ष की आयु में 4 घातिया कर्मों का नाश किया और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। 30 वर्ष तक अनेक स्थानों में उनका विहार हुआ। उनकी दिव्य देशना सुनकर अनेक जीवों ने अपना आत्म कल्याण किया और 72 वर्ष की आयु में बाकी बचे 4 अघातीय कर्मों का नाश किया और पावापुर से निर्वाण पद प्राप्त किया। वे भगवान महावीर कहलाए, हमारे शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर। अब वे अनंत काल तक सिद्ध शिला में अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहेंगे। तो देखा आप लोगों ने, पशु भी आत्मज्ञान के बल पर कालांतर में भगवान बन सकता है। ऐसे ही हम मनुष्य भी स्व पुरुषार्थ से निश्चित रूप से भगवान बन सकते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा यह हमें कमेंट करके बताएं तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अगर आप इसी तरीके की और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप आगे आने वाली सभी कहानियों के और वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकेंगे। आप इन कहानियों को अपनी पाठशाला में भी दिखा सकते हैं।